Good morning, students. Myself, Dr. Ekta Sharma, Assistant Professor in Kai Chikitsa Department, Faculty of Ayurvedic Science. Today we will discuss about Chhardi Rog. Chhardi Rog को है जो कि modern science के अंदर है जो कि अपन vomiting नाम से जानते हैं. इन जनरली जो वॉमिटिंग या उल्टी जो होती है उसे है जो कि आयुर्वेद में छर्दी रोग कहा जाता है. तो इसके लिए है जो कि कहा गया है कि अपन बेसिकली छर्दी किसे कहेंगे, तो ये सब अपन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि छर्दी मीन्स वॉमिटिंग. वॉमिटिंग मीन्स क्या होता है कि स्टमक से कोई फूड मटेरियल बाहर निकलता है तो उसको है जो कि अपन क्या कहते हैं एज अ वॉमिटिंग कहा जाता है. क्या है कि मुख से अगर कफ और पित्त मिश्रित अन्न बाहर निकलता है तो वो छर्दी कहलाता है. क्योंकि आमाशय के अंदर है क्योंकि कफ और पित्त दोनों ही दोष रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कफ और पित्त मिश्रित कहा गया. और आमाशय के अंदर है जो कि आमाशय में है जो कि फूड तो रहता ही है, अन्न तो रहता ही है, इसलिए है जो कि यहाँ पे कहा गया है अन्न. तो कफ और पित्त मिश्रित अन्न जब मुख से बाहर निकलता है तो उसे अपन छर्दी कहते हैं. छर्दी है जो कि है बहुत सारी डिजीज की है जो कि ऐसे सिम्टम भी देखने को मिलता है और ये ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी अपने को देखने को मिलता है. तो ये बहुत सारे डिजीज एक पर्टिकुलर डिजीज में होकर के बहुत सारी डिजीज के अंदर एज अ सिम्टम भी है जो कि देखने को मिलता है. और जब ये किसी भी डिजीज के सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन के रूप में अपन नहीं हो तो अपन उसको एक बेसिकली एक डिजीज एज अ डिजीज इसको काउंट किया जाता है. तो इसके लिए है अगर यदि इसके अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसके डेफिनेशन के लिए कहा गया है कि किसी भी तरीके के जो कि निदानों का सेवन करने की वजह से निदानों का सेवन करने से है क्योंकि अचानक से उत्क्लेशित दोष उत्क्लेशित होकर निदानों का सेवन करने से दोष उत्क्लेशित होकर मुख को आच्छादित करने मुख में पूरा का पूरा लिक्विड का है जो कि और अंग प्रत्यंगों को तोड़ते हुए अंग प्रत्यंगों को तोड़ते हुए जब भी है जो कि वॉमिटिंग वगैरह होती है तो क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है. तो अंग प्रत्यंगों को तोड़ते हुए जब मुख मार्ग से बाहर निकलते हैं तो उसे छर्दी रोग कहा जाता है. मीन्स इसका है कि निदानों का सेवन करने की वजह से अचानक से यदि उत्क्लेशित दोष मुख को आच्छादित करके अंग प्रत्यंग को तोड़ते हुए जब मुख मार्ग से बाहर निकलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं छर्दी रोग कहते हैं. इसकी निवृत्ति की बात करें तो इसके लिए कहा गया है कि छादयति मुखम आर्दयति च अंगान इति छर्दी. और इसके अलावा है जो कि आचार्य चक्रपाणि ने है जो इसके लिए कहा है. आचार्य चक्रपाणि ने इसके लिए कहा है कि ऊर्ध्व अति दोष प्रवृत्त रूपा छर्दी उच्यते. मीन्स ऊर्ध्व मार्ग से है क्योंकि अति प्रवृत्त दोषों का बाहर निकलना ही है जो कि क्या कहलाता है छर्दी कहलाता है. आचार्य सुश्रुत ने जो कि इसके लिए कहा गया छाद्यांत आनन वेगे अर्धयंत अंग भंजने निरुच्यते छर्दी दोषों का है जो कि मुख को आच्छादित करके अंगों को पीड़ित करते हुए बाहर निकलना छर्दी कहलाता है. दोषों का है जो कि मुख को आच्छादित करके अब शरीर के अंगों को पीड़ित करते हुए बाहर निकलना छर्दी कहलाता है. नेक्स्ट है जो कि इसके निदानों की बात करें तो इसके निदानों के लिए जो कि इन जनरल जो कि निदान बताए गए हैं वो है अत्यधिक द्रव और स्निग्ध पदार्थों का अधिक सेवन करना, सिद्ध भोजन का सेवन करना, अप्रिय और अति मात्रा में है जो कि अकाल में भोजन करना, आम दोष की उत्पत्ति, भय, उद्वेग, अजीर्ण और कृमि दोष, अतिशय और गर्भावस्था. गर्भावस्था में भी है जो कि नॉर्मली अपने कुछ हल्दी दिखने को मिलती है. और इसके हैं जो कि अलग अलग दोषों के हैं जो कि इसके विशिष्ट निदान बताए गए हैं. वहाँ पर छर्दी के निदान बताए गए हैं व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, शोक व भय किसी रोग के कारण भी हो सकती है और उपवास के कारण. पित्त छर्दी के निदान होते हैं कटु अम्ल विदाई उष्ण पदार्थों का है जो कि अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, अजीर्ण होना. कफ छर्दी के निदान है स्निग्ध एवं गुरु भोजन का सेवन करना, दिवास स्वप्न आम एवं विदाही आहार का सेवन. संनिपातिक छर्दी के निदान है सभी रसों का अनुचित रूप से सेवन करना, ऋतुओं का विपर्य और आम दोष का कुपित होना. और पांचवी बताई गई है आगंतुक छर्दी. आगंतुक छर्दी को बताया गया है कि आगंतुक छर्दी जो कि इंटरनली बॉडी में इंटरनल किसी रीजन की वजह से नहीं हो रही हो, किसी एक्सटर्नल फीचर की वजह से ही होगी. तो इसके लिए होता है कि या तो जैसे कि किसी भी है जो कि अपन ने कोई भी अनप्लीजेंट स्मेल है उसको अपन ने स्मेल किया है, कोई भी जो कि अपने मन को अच्छी नहीं लग रही है इस तरीके की अपन भोजन का सेवन करें, मन को गंध को भोजन का सेवन करना है, या भोजन में जो कि किसी भी प्रसंग के लिए है जो कि उसकी वजह से भी है जो कि छर्दी रोग होता है. इस तरीके से है जो कि इसके डाउट्स के अंदर बात करें तो
पांच टाइप्स बता दिए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एंड फिफ्थ इज आगंतुक छंद। आगंतुक छंद को ही है क्योंकि विस्तार संयोग छंद में भी काउंट किया गया। नेक्स्ट जो कि अपन बात करते हैं इसकी संप्राप्ति की, इसकी संप्राप्ति के लिए जो कि आचार्य चरक ने कहा है, वायु और महाश्रोतों से संप्रवृत्त उत्क्लेश्य दोषां सत् उद्गम अस्यन् आमाशय उत्क्लेश्य कृतां च मर्म प्रपेडियन छर्दी दीर्घित। इसके लिए कहा गया है कि नेतानु का सेवन करने की वजह से दोष कुपित हो जाते हैं, दोष कुपित होकर के कफ और वायु से जो कि आप और अग्नि मान जाए, निदानों का सेवन करने की वजह से दोष कुपित होते हैं। दोषों में मेन इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर वात और कफ दोष का, वात और कफ कुपित होते हैं आन और अग्नि मान जी को उत्पन्न करते हैं, जिससे आमाशय में है उत्क्लेश होता है और उत्क्लेश होने पर उत्क्लेश होता है, उत्क्लेश में उसको दोष है क्योंकि बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो बाहर निकलने में उत्क्लेश होता है। तो वायु, वायु का काम होता है अपने शरीर में जो कि किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, तो वायु है जो कि उत्कृष्ट दोषों को क्योंकि पूर्वक मुख से बाहर निकालती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, छर्दी रोग कहते हैं। निदानों का सेवन करने की वजह से है जो कि वात और कफ दोष कुपित होते हैं, जिसकी वजह से आम और अग्निमांडी की उत्पत्ति होती है, आमाशय में उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट होने पर वायु इन उत्कृष्ट दोषों को वेग पूर्वक है जो कि मुख मार्ग से बाहर निकाल कर छर्दी रोग को उत्पन्न करती है। संप्राप्ति घटक की अगर बात की जाए तो इसके संप्राप्ति घटक होते हैं, इसके अंदर दोष होते हैं वात और कफ, दूषित है अन्न और आहार रस, श्रोत से अन्न व श्रोत अधिष्ठान है आमाशय, इसके अंदर श्रुत दुष्टि होती है, संग और विमागमन स्वभाव है, इसके अंदर आशुकारी अग्नि है, इसके अंदर अपने मानदेय होता है, साध्या साध्या की बात करें तो ये साध्य व्यक्ति होती है। इसके टाइप्स अपन ने पहले पढ़ी नहीं कि पांच टाइप्स का होता है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और दुष्टार्थ संयोग या फिर आगंतुक छर्दी। तो दुष्टार्थ संयोग को है जो कि आचार्य सुश्रुत ने है जो कि उसको आगंतुक छर्दी ही नाम दिया है केवल, और इसके भी है जो कि पांच टाइप्स बताए उन्होंने, विभत्सजा, दोरजा, आमजा, असात्मजा और कृमिजा। विभत्सजा, विभत्सजा नाम से पता चल रही है, विभत्सजा में विभत्स पदार्थों की गंध या फिर उनको देखना, विभत्स मीन्स कोई भी डरावनी चीज, कोई भी अनप्लीजेंट चीज अगर अपन ने देखी है अपने मन को ठीक नहीं लगती है, तो अगर अपन ने कोई इस तरीके की चीज अपन ने देखी है या उसकी स्मेल नहीं है, तो उसकी वजह से जो छर्दी उत्पन्न होगी उसको विभत्सजा छर्दी कहा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड इज दोरजा छर्दी, दोरजा छर्दी मीन्स गर्भिणी, दोरजा कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है, तो गर्भिणी को होने वाली छर्दी। आमजा, आमजा छर्दी होगी जो कि आमरस के कारण उत्पन्न होने वाली छर्दी। पूर्व रूप छर्दी के, पूर्व रूप है जो कि आचार्य ने बताए हैं, उसके लिए उन्होंने बताया है कि रल्लास उद्गार रोधौ च प्रसिको लवण स्तन द्वेषो अन्न पाने च भ्रशम वमनाम पूर्व लक्षण। इसके लिए जो कि उन्होंने इसके इसके अलावा भी है जो कि आचार्य चरक ने भी जो कि इसके पूर्व रूप बताया, उन्होंने कहा है कि तासाम रजे उत्क्लेश कफ प्रसेको द्वेषो अश्ने चेम ही पूर्व रूपम। ये सब उन्होंने अच्छे से तरीके से ध्यान देंगे, जब भी उनको वॉमिटिंग आने वाली होती है तो अपना पहले जो कि जी घबराने लगता है, अपने को नोजिया टाइप होने लगता है, तो इसी तरीके से कहा है इन्होंने प्रसेक होता है, कुछ बाहर निकलने वाला है। इसके अलावा रल्लास होता है, मुझे होता है अरुचि, उद्गार रोग, उद्गार रोग मीन्स डकार वगैरह नहीं आती है, डकार रुक जाती है। अन्न द्वेष होता है, लाला स्त्राव है जो कि वो लाला स्त्राव है जो कि पतला लाला स्त्राव होने लगता है। सलाइवा है जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट टाइप का हो जाता है। और अमृतगार मतलब मीन्स अमृतगार आती है, अमृतगार मीन्स खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, और जो मुख टेस्ट होता है वो थोड़ा सा नमकीन टेस्ट हो जाता है, सोडी टेस्ट हो जाता है, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके सिम्टम्स है जो कि इसके सामान्य लक्षणों में बोला है, छादिया, आलम, वेग, अर्धयत, अंग भंजनीय, निरुच्चित छर्दी, दोषो वक्रम या धावती। ये अपन ने पहले ही है जो कि इसकी डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर वही इसके सामान्य लक्षण होंगे, उसके अंदर होगा कि क्या होगा कि है जो कि वेग पूर्वक है जो कि मुख से अन्न बाहर निकलते हैं, अंगों में पीड़ा होती है और अंग में विरस्ता होती है। इसके अलावा है जो कि इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स भी बताए हैं,
में विशेष लक्षण वाचक छंदी कृतक छंदी कवच छंदी सन्निपातक छंदी और दुष्टार से योगक छंदी के विशेष लक्षण भी बताए गए। तो वाचक छंदी के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो कि वात दोष की वजह से होते हैं। तो उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है हृदय और पार्श्वों में पीड़ा होती है, मुख मस्तक और नाभि में पीड़ा होती है, शरीर में है जो कि सुई चुभने समान पीड़ा होती है, प्रबल छंदी और खंडका होती है, बहुत तेज आवाज में है जो कि नॉइजी बिल्कुल होती है, वमन में होते हैं जो कि जलप होता है, वमन में होता है जो कि काला और पतला होता है और कष्टदायक वमन होता है। सब हम बात करते हैं पित्त छर्दी की। तो पित्त छर्दी के अंदर है जो कि हमने मूर्छा पिपासा ये सब देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कि अपने शरीर में नेत्र में जलन होती है, तम में प्रवेश होता है, भ्रम होता है, तृष्णा होती है, तालु शोष होता है, मुख शुष्कता होती है, उष्ण पीड़ा जलन युक्त वमन होता है। नेक्स्ट कपट छर्दी की अगर बताऊँ तो कपट छर्दी के अंदर है जो कि तंद्रा होती है, मधुरास्यता होता है, प्रसीक होता है, निद्रा प्रवृत्ति होती है, तृप्ति होती है, अरुचि होती है, शरीर में गुरुता होती है। नेक्स्ट अपन सन्निपातक छंदी की बात करें तो सन्निपातक छंदी के अंदर है जो कि उदर शोक होता है, भोजन का है जो कि युद्ध समय बात नहीं होता, अरुचि होती है, दाह होता है, तृष्णा होता है, स्वास होता है, प्रमोह होता है, लवण अम्ल उष्ण और गाढ़ा नीले रंग का रक्तयुक्त वमन होता है। तो सभी दोषों सभी टाइप्स के अंदर है सिम्टम्स उसी तरीके के देखने को मिलते हैं जिस तरीके के उसमें दोषों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दुष्टार्थ संयोग। दुष्टार्थ संयोग जो कि ये क्या होती है, ये नॉर्मल छंदी होती है, ये किसी भी तरीके की इसके अंदर पैथोलॉजी उस तरीके की क्रिएट नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक टाइप की कोई गंभीर डिजीज नहीं है। ये अपन ने किसी भी है किसी भी अनप्लीजेंट स्मेल को सूंघा है या अनप्लीजेंट चीज़ को अगर अपन ने देखा है तो उसकी वजह से होती है। तो इसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे कुछ खास नहीं होते, इसलिए बताएंगे इसके इसके अंदर जो कि उदर शोल होता है, बहुत ज़्यादा रंडास होता है और इसके जो लक्षण है जो कि क्रमिज हृदय रोग के समान बताए गए हैं, क्रमिज हृदय रोग के समान इसके लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी साध्या साध्यता की, तो दुर्बल और क्षीण व्यक्ति में है जो कि वमन का वेग होता है, जो कि क्या होता है यदि अधिक रूप में होता है, मीन्स दुर्बल व्यक्ति को अगर यदि छंदी हो रही हो और वो भी उसको है जो कि छंदी के बहुत ज़्यादा वेग आ रहे हो तो वो उसकी छंदी होती है क्योंकि क्या होता है असाध्य होती है। यदि छंदी के साथ है जो कि श्वास और खास है जो कि अधिक मात्रा में आता है या फिर है जो कि ब्लड मिश्रित रक्त मिश्रित है जो कि छंदी हो या फिर पूर्ण मिश्रित छंदी हो उसकी वजह से है तो वो छंदी अरोग असाध्य होता है। यदि छंदी लगातार होती रहती है लगातार वो भी वॉमिटिंग होती रहती है और इसके अलावा जो कि वमन से मतलब वमन से निकले पदार्थों में जो कि चंद्रिका दिखाई देती है तो वो भी छंदी होती है जो कि असाध्य होती है और यदि वमन से निकले पदार्थों में जो कि मल व्यक्ति की गंध और वर्ण होती है तो वो भी असाध्य होती है। इन लक्षणों से युक्त जो छंदी होती है वो असाध्य होती है और यदि इस तरीके के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते वो छंदी होती है जो कि साध्य होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके उपद्रव की, तो इसके उपद्रव है जो कि बताए यहाँ आचार्य माधव पर हैं जो कि छंदी के उपद्रव बताए थे, तो उन्होंने कहा है कास श्वास ज्वर हिका तृष्णा वैचित्य हृदरोग तप ये सभी इनमें सभी उपद्रव होते हैं जो कि छंदी के होते हैं। यदि ये उपद्रव युक्त अपने को देखने को मिलती है छंदी इस तरीके से वो छंदी होती है जो कि असाध्य होती है। नेक्स्ट रूम बात करते हैं छंदी की चिकित्सा सिद्धांत की, इसके चिकित्सा सिद्धांत के लिए जो मैंने बोला कि सभी छंदी होती है जो कि आमाशय से उत्पन्न होती है, आमाशय से उत्पन्न होने के कारण होती है जो कि इसके अंदर है जो कि संशोधन चिकित्सा की जाती है। इसके अंदर संशोधन चिकित्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके अलावा जो कि इसके अंदर है जो कि लंघन कराया जाता है क्योंकि ये आमाशय से उत्पन्न है तो आमाशय से मिलकर आमाशय में है जो कि किसी भी तरीके के दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके लिए जो कि लंघन कराया जाता है, उसके लिए जो कि अपने को आम पाचन कराना चाहिए और आमाशय में शुद्धि करानी चाहिए। इसके अलावा है जो कि वातक छंदी के अंदर जो कि वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके अंदर अपने को जो कि लंघन और संशोधन नहीं कराना चाहिए वरना उससे ये जो कि वात दोष हो जाता है कुपित हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाएंगे। वातक छंदी में जो कि गृहपान और मांसरस का प्रयोग कराया जाता है। पित्त छंदी होती है, पित्त छंदी में जो कि वमन के द्वारा जो कि दोषों का अनुलोमन कराना चाहिए। कफ छंदी के अंदर है जो कि वमन ही है जो कि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है। इसके अलावा यदि सन्निपातक छंदी होती है तो उसमें है जो कि दोष ऋतु और अग्नि बल का विचार करते हैं जो कि चिकित्सा करानी चाहिए और वैसे समय जो कि वमन का श्रेष्ठ होता है। यदि दुष्टार्थ संयोग छंदी होती है आनंद छंदी होती है तो उसके अंदर जो कि मन को प्रिय लगने वाले वचन और मन को प्रिय लगने वाले आहार विहारों का है जो कि सेवन करना चाहिए। तो और यदि कंटिन्यूस छंदी हो रही है वॉमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से दादुषय हो रहा है तो उसकी वजह
से क्या होगा कि वाद की वृद्धि हो जाएगी, धातु का क्षय होने पर वादोष की वृद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे को समय है जो कि वादनाशक स्तंभन और भ्रमण चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है जो कि अपन इसके संक्रमण चिकित्सा की अगर इसके अंदर बात करें, इसके अंदर है जो कि कौन कौन से रस युक्त दिए जा सकते हैं, इसके अंदर रस युक्त दिए जाते हैं सूची का रस, मोहन कुठा रस, मयूर पिच्छुभासी रस, इंद्र योग, छर्दी रिपोर्ट रस। यदि बट्टी की बात की जाए तो इसके अंदर है जो कि इलादी बट्टी, लवंगादी बट्टी का यूज़ किया जाता है। ये जो कि आम पाचन तथा रे करती है जिससे आमाशय में दोषों का क्लेश नहीं होगा। चून की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर चून होगा एलादी चून, वेडंगादी चून, लाजादी चून एवं अविपत्ति का चून। ये सभी जो चून होते हैं ये पित्त को सब्साइड करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से है जो कि आम दोष का नाश होगा। अगर अपन क्वाथ की बात करें तो इसके अंदर होता है जमोगदी क्वाथ, गुरुच्यादी क्वाथ, परपटक क्वाथ, चंद्रादी क्वाथ, इसके अलावा सूर्यादि क्वाथ। घृत तो इसमें दिए जाते हैं पदम खाद्य घृत, त्रिभुषण घृत, कल्याण घृत, सर्पिक जीवनी घृत। इसके अंदर जो कि पान दिए जाते हैं जात्यादि लिए, कोलमत जाति लिए, हरित की जो चंदन फल ले, इन सभी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कि इसके अंदर वो भी इसके अंदर शंख भरत में का भी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर लगाण और ट्रक मिला करके जो कि चलाया जा सकता है, उसमें जो कि वॉमिटिंग वगैरह करा के है जो कि उसके दोषों को दोषों का जो क्लेश होता है उसको सब्साइड किया जा सकता है। इसके अंदर छर्दी की चिकित्सा है जो कि वमन की होती है, यही है जो कि इसकी बेस्ट चिकित्सा होती है। अगर अपने वो छर्दी को ट्रीट करना है उसके लिए जो कि अपने को वमन की कराना चाहिए। ये यहाँ पर पढ़ना पड़ा है छर्दी रोग के बारे में। थैंक यू।